व्यूअर्स, मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जहाँ पे बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि हमारा घर इन जैसे एरियाज़ में हो, इन जैसी सराउंडिंग में हो। जी हाँ व्यूअर्स, वापडा टाउन, वेलेंशिया टाउन, जोहो टाउन जैसी अच्छी सोसाइटी की सराउंडिंग के अंदर ही मैं प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, जो कि बहुत रीजनेबल प्रोजेक्ट है व्यूअर्स, जिसके अंदर 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट्स होंगे व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ यास चौधरी फ्रॉम स्काई राइटर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। जैसा कि सब आप जानते हैं, स्काई राइटर डेली एक नई वीडियो एक नए प्रोजेक्ट के साथ आपको अपडेट रखता है। व्यूअर्स, मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जहाँ पे बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि हमारा घर इन जैसे एरियाज़ में हो, इन जैसी सराउंडिंग में हो। जी हाँ व्यूअर्स, वापडा टाउन, वेलेंशिया टाउन, जोहो टाउन जैसी अच्छी सोसाइटी की सराउंडिंग के अंदर ही मैं प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, जो कि बहुत रीजनेबल प्रोजेक्ट है व्यूअर्स, जिसके अंदर 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट्स होंगे व्यूअर्स। सबसे पहले व्यूअर्स, मैं अगर इसके हाइट के हवाले से इंट्रो देता चलूँ, 14 कनाल का लैंड एरिया है व्यूअर्स, जिसके अंदर ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है व्यूअर्स। ग्राउंड फ्लोर प्लस 11 फ्लोर का बिल्डिंग का ये प्रोजेक्ट है व्यूअर्स, जिसके अंदर 1 बेड 2 बेड लग्जीरियस अपार्टमेंट होंगे। 4 ईयर इजी मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर हमें मिलेगा ये। सबसे पहले अगर व्यूअर्स मैं बताता चलूँ इसकी पार्किंग के हवाले से, जो इसकी बेसमेंट है और जो इसका फर्स्ट फ्लोर है, इसके अंदर वसी पार्किंग होगी, और जो इसका ग्राउंड फ्लोर है व्यूअर्स, इसके अंदर जो है कमर्शियल ब्रांड्स आ रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स आ रहे हैं इसके अंदर। और जो व्यूअर्स इसके जो सेकंड टू जो 11 फ्लोर हैं, इसके अंदर जो है टोटली 1 बेड 2 बेड लग्जीरियस अपार्टमेंट मिलेंगे हमें। और व्यूअर्स, मैं अगर थोड़ा इसके हवाले से बताता चलूँ, बेसिकली जो है 2 बिल्डिंग्स होंगी, 2 टावर कह सकते हैं आप उसे। एक का नाम टावर ए है, एक का नाम टावर बी है। जो व्यूअर्स टावर ए है, इसके अंदर टोटली जो है 2 बेड अपार्टमेंट्स होंगे। जो टावर बी का जिसे नाम दिया गया व्यूअर्स, इसके अंदर 1 बेड अपार्टमेंट्स होंगे व्यूअर्स। सबसे पहले मैं अगर इनके डेवलपर के बारे में बताऊं, इनके डेवलपर कौन है, जेएसएम पीवीटी लिमिटेड इनके जो है डेवलपर्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी तारुफ के मुताज हैं, जो लाहौर में है या इनके सराउंडिंग में है। अगर उनका सेल परचेज करते रहते हैं मार्केट के अंदर, तो वो लाजमी इस नाम को ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि बहुत सी हाइट सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं, बहुत अच्छा नाम है मार्केट का, अपनी कमिटमेंट पर पूरा उतरते हैं और कोशिश करते हैं टाइमली ही अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर दें। और इनके प्रीवियस जो प्रोजेक्ट हैं जो इन्होंने सक्सेसफुल डिलीवर किए हैं, वो आप जाके लाइव विजिट कर सकते हैं, कैसे जो है इन्होंने अपना टाइम से पहले वहाँ डिलीवर किया है और कैसे इनके जो कस्टमर्स क्लाइंट्स हैं वो इनसे जो है हैप्पी हैं। व्यूअर्स, अगर मैं इसकी लोकेशन के बारे में बता चलूँ, बहुत अच्छी लोकेशन है, मेन खिबाने जिना रोड के ऊपर ये लोकेट कर रहा है प्रोजेक्ट। पोर्शीज एरिया है ये, वेलेंशिया टाउन, वापडा टाउन, जोहो टाउन, इसकी सराउंडिंग के अंदर ये प्रोजेक्ट आया है व्यूअर्स। जो कि मैं अगर इसकी हाईलाइट के वास्ते पता चलो, 2 मिनट की ड्राइव होगी बमुश्किल वापडा टाउन की, 1 से 2 मिनट की वेलेंशिया टाउन की इधर से ड्राइव है, और यूसीपी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब बमुश्किल 2 मिनट की ड्राइव है व्यूअर्स, और एम्पोरियम मॉल जो है 4 से 5 मिनट की ड्राइव है, और व्यूअर्स जो मोटरवे M2 वो आपको 4 से 5 मिनट की ड्राइव मिलेगी वहां से, और इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपको 20 मिनट की ड्राइव पर मिलेगा व्यूअर्स। ऐसे एरियाज के अंदर, ऐसी जगह के अंदर, ऐसी सोसाइटी जो वेल डेवलप्ड पोर्चीज एरिया के अंदर जो है ना, लोगों का ख्वाब होता है हमारा भी घर इन जैसी सोसाइटीज़ के सराउंडिंग हो या इन सोसाइटीज़ के अंदर हो व्यूअर्स। जीएसएम वालों ने ये हमारा ख्वाब जो है पूरा किया है, और बहुत रीजनेबल प्राइसेस के अंदर ये हमारे पास ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं व्यूअर्स। इसके साथ साथ लोकेशन तो अच्छी है ही है, डेवलपर तो अच्छे हैं, साथ साथ अमेनिटीज़ वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज़ हैं इसके अंदर, टॉप क्लास अमेनिटीज़ हैं, बेशुमार अमेनिटीज़ हैं इसके अंदर, 24/7 सिक्योरिटी है इसके अंदर, सेंसर लाइट सिस्टम है कॉरिडोर के अंदर व्यूअर्स, उसके साथ साथ 24/7 बैकअप इलेक्ट्रिसिटी है, गेटेड कम्युनिटी है, सीसीटीवी कैमराज हैं व्यूअर्स, हाई स्पीड लिफ्ट हैं, गेस्ट रूम है इसके अंदर, जिमनेजियम है, मिनी गोल्फ है, सिनेमा है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग पूल है इसके साथ व्यूअर्स, डे केयर सेंटर है, बहुत अच्छी फैसिलिटी इन्होंने ये प्रोवाइड की है। अगर जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब होल्डर हैं या घर में कोई भी नहीं है बच्चों की टेक केयर करने के लिए डे में, तो इनका डे केयर सेंटर है, वहाँ बच्चों को जो है छोड़ सकते हैं, वहाँ प्रॉपर इनका स्टाफ है जो इनकी केयर करता है, बाकायदा वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, आप अपने मोबाइल के ऊपर उन्हें चेक कर सकते हैं अपने बच्चों को, वो किस तरह वहाँ पर जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसके साथ
सा रेस्टोरेंट है, बारबेक्यू एरिया है, किड्स प्ले एरिया है, वर्स इसके साथ साथ बहुत बहुत अच्छी इम्यूनिटीज़ के साथ ये हमारे पास प्रोजेक्ट है और बहुत ही अच्छी लोकेशन के साथ। वर्स मैं अब इसकी प्राइस की तरफ आऊँगा, 66 to 67 lakh की फिगर के अंदर व्यूअर्स, जी हाँ, इस जैसी अच्छी लोकेशन के अंदर वन बेड अपार्टमेंट ये ऑफर कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ता रहेगा स्क्वेयर फीट का, इस लिहाज से इनकी प्राइजेज जो हैं बढ़ती रहेंगी। बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है, स्क्वेयर फीट के लिहाज से एरिया आपका बढ़ता जाता है और उस लिहाज से आपकी प्राइस भी इंक्रीज होती रहती है। जो स्टार्टिंग प्राइस है 66 to 67 lakh रुपीज़, इन्होंने प्राइस जो है स्टार्टिंग लॉन्च की है व्यूअर्स, जो कि मैं नहीं समझता कि ज़्यादा है। आप खुद जो है एनालिसिस कर सकते हैं इन जैसे एरियाज़ के अंदर, आपको पता होगा, ज़रूर पता होगा क्या रेट्स चल रहे हैं। जो मेरे व्यूअर्स नए हैं या आउट ऑफ सिटी से हैं तो मैं उन्हें बताता चलूं, इन जैसे पोर्शन एरियाज़ के अंदर व्यूअर्स 5 मरले का घर 2 करोड़ से कम का नहीं है। जी हाँ व्यूअर्स, 2 करोड़ की मालियत का घर मिलता है यहाँ पर। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं, डिफरेंट टैक्सेस होते हैं यहाँ पर, 2% 3% कर करके आपका जो टोटल टैक्स बनता है व्यूअर्स, वो 10 से 12% आपने टैक्स देना होता है घर का। तो आपका कह सकते हैं आपके जो 2 करोड़ का आपने फॉर एग्जांपल घर लिया है, इसका जो है 20 से 22 लाख 23 लाख रुपए आपका खाली टैक्स में चला गया। ये आप वन बेड फिनिशिंग के साथ, आउटस्टैंडिंग अमेनिटीज़ के साथ, जो कैसी अमेनिटीज़ उन जैसी सोसाइटीज़ के अंदर भी नहीं होंगी, जो कि ये प्रोवाइड कर रहा है हमें इस प्राइस, रीजनेबल प्राइस के अंदर जो है हमें वन बेड फिनिशिंग के साथ 66 to 67 lakh के अंदर मिल रहा है। व्यूअर्स यकीन करें, पोजेशन आने की देर होगी, जैसे ये डेवलप्ड हो जाएगा थोड़ा सा, आप पोजेशन के साथ फिनिशिंग करके फर्निश्ड अपार्टमेंट रेंटल पे भी दें इसको, 50 से 60 हज़ार इसकी मंथली इनकम होगी। आजकल के दौर में, महंगाई के दौर में 60, 65, 67 lakh इन्वेस्टमेंट करके 50-60 हज़ार प्रॉफिट अर्न करना बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, लिविंग के लिए, बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट है व्यूअर्स। 4 ईयर का इजी मंथली इंस्टॉलमेंट है व्यूअर्स, बहुत इजी मंथली इंस्टॉलमेंट है, 38,000 इसकी राउंड अबाउट इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी जो स्टार्टिंग है, ठीक है। और 30% आपने डाउन पेमेंट देनी है इसकी। और व्यूअर्स मजे की बात बताने जा रहा हूँ, अगर आप फुली पेमेंट करते हैं, फुली पेमेंट अगर कर देते हैं आप, तो आपको 10% इसके ऊपर जो है डिस्काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 60 to 67 lakh का अगर आपका वन बेड अपार्टमेंट है, फिनिशिंग के साथ लग्जरियस अपार्टमेंट है, तो आपको 60 lakh के राउंड अबाउट मिलेगा। आपको कम अज़ कम भी 6 से 7 लाख रुपए का आपको डिस्काउंट हो जाएगा। आप खुद बताएं, बहुत अच्छी लोकेशन, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। 7 लाख बहुत बहुत बड़ा जो है हमें ये मार्जिन है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत बड़ा डिस्काउंट है व्यूअर्स। व्यूअर्स 6 से 7 लाख रुपए बहुत ही बिग अमाउंट के अंदर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, आप बिल्कुल इससे फ़ायदा उठा लें। लिमिटेड जो है अपार्टमेंट्स रहते हैं, मोर देन 60 to 70% सोल्ड आउट हो गया। जी हाँ व्यूअर्स, 30 to 40% इसके अंदर जो है इन्वेंट्री रहती है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप इस जो है अच्छा जो हमारा प्रोजेक्ट है इससे आप पीछे हटें, आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, आपको फ्यूचर में बहुत बहुत जो है प्रॉफिट अर्न करने को मिल सकता है यहाँ से। और व्यूअर्स ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हाइट्स की तरफ लाहौर मूव कर रहा है, आने वाला फ्यूचर टोटली हाइट्स की तरफ होगा। अब जो है आपको जो 60-65 lakh रुपीज़ अगर आपने भरने भी हैं एक अपार्टमेंट के व्यूअर्स, आपने इकट्ठे नहीं भरने, आपने इसको मंथली की तरफ जाना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने जो है पैसे देने हैं। 38,000 मंथली इंस्टॉलमेंट, जो कि मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा है, इस जैसे पोर्श एरिया के अंदर आपका थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके फ्यूचर के अंदर एक बहुत आउटस्टैंडिंग आपका बहुत अच्छा एसेट तैयार हो सकता है। ज़रूर फ़ायदा उठा लें इस प्रोजेक्ट से। मज़ीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, साइट विजिट करने के लिए, कोई भी आपका क्वेश्चन हो जो कि मैं इस वीडियो में बयान ना कर सका हूं, तो मेरा स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं खुद आपको आंसर करूँगा। और हमारा बैरिया टाउन तलवार चौक की राइट साइड पे अलाइट बैंक के ऊपर ऑफिस है स्काई रेल्टर के नाम से, आप वहां तशरीफ ला सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको पूरा फैसिलिटेट करेंगे, हमसे जितना हो सका हम आपको जो है क्लेरिफाई करेंगे इस प्रोजेक्ट के हवाले से। तो व्यूअर्स मुझे फिलहाल दें इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोजेक्ट के साथ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।